प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का फाइनल मुकाबला 26 मई को चेपॉक के मैदान पर खेला जाना है। आईपीएल 2024 के फाइनल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत होनी है, क्योंकि कोलकाता ने क्वालिफायर वन में हैदराबाद को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि अब हैदराबाद ने क्वालिफायर टू में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में पहुंची है। हालांकि फाइनल मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है कि कोलकाता और हैदराबाद का फाइनल पहले से ही तय था, जिसके चलते फैंस अब बीसीसीआई को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालिफायर टू मुकाबला खेला गया, लेकिन इस मैच से पहले ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें पहले से ही लिखा हुआ है कि कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच फाइनल होगा। ये तस्वीर किसी स्टेडियम के बाहर लगी हुई है, जिसके बाद अब फैंस इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि वायरल फोटो में साफ दिख रहा है कि कोलकाता और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2024 का फाइनल होगा। हालांकि इस खबर को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। चेपॉक के मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालिफायर टू खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाने में सफल रही। हैदराबाद की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरी क्लासन ने शानदार पारी खेली और 34 गेंदों में 50 रन बनाए, जबकि राहुल त्रिपाठी ने महज 15 गेंदों में ही 37 रन बनाए। 176 के जवाब में राजस्थान की टीम 20 ओवर में महज 139 रन ही बना पाई और 36 रनों से मुकाबला हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई।